हुस्ना कॉलेज से लौटी थी, अभी उसने बस्ता भी नहीं रखा था कि घर में रखे हुए एक मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। हुस्ना ने एक सेकंड को सोचा और फिर फोन की तरफ लग की। इसी दौरान उधर से हुस्ना की माँ भी बेटी के सामने आ गई। हेलो, कौन? अस्सलाम वालेकुम जी, आमिर साहब से बात करनी थी, उनसे बात हो सकती है? जी नहीं, आमिर साहब का नंबर नहीं है, रॉन्ग नंबर। सॉरी, दरअसल मेरे पास यही नंबर सेव था। चलें, मैं देखता हूँ, थैंक यू। अम्मी, खाना मिलेगा? इससे पहले कि माँ का जवाब आता, फोन की घंटी दोबारा बजने लगी। उसने फोन की तरफ बढ़ी तो कॉल बेनाम थी। आमिर साहब होंगे? मैंने अभी आपको बताया कि ये आमिर साहब का नंबर नहीं है, खुदा हाफिज। सुनिए सुनिए, आप नाराज ना हो, मेरा नाम मुबीन है, मैं बखर में रहता हूँ। तो मैं क्या करूँ जनाब, ये आमिर साहब का नंबर नहीं है, ये रॉन्ग नंबर है। ओके ओके, शायद उसे गलत नंबर मिल गया। ठीक है, आप नाराज ना हो, अल्लाह हाफिज। हुस्ना ने फोन बंद ही किया था कि माँ खाना लेकर आ गई। ले बेटी, गरम गरम खाना खा। अरे बेटी, तेरी पढ़ाई कब खत्म होगी? तुम्हारे अब्बा पूछ रहे थे। अम्मा भी पूरा साल पढ़ा। अरे, एक दो रिश्ते आए हुए हैं इसीलिए। बेटी, तुम्हारी शादी होगी तो दूसरी बहनों का नंबर आएगा। मैं खाना खा लूं? हाँ हाँ, खा लो, किसने मना करा है, खाओ। तुम हर वक्त चिढ़ी रहती हो, जब भी कोई बात करो गुस्से में करती हो। नामालूम कॉलर का नाम मुबीन था और उसने हसीना को कॉलेज जाते जाते देखा हुआ था और किसी तरह घर में मौजूद वाहिद मोबाइल फोन का नंबर भी मालूम कर लिया था। हसीना एक मजदूर की बेटी थी, ये तीन बहनें और एक भाई था। बाप अपनी बेटियों को तालीम दिलवा रहा था और बेटियों की शादी के लिए फिक्रमंद था। शब्बीर ने देखा कि हुस्ना घर से कॉलेज जाने के लिए निकली तो रास्ते में एक कार खड़ी थी और कार के बाहर एक नौजवान इस तरह खड़ा था जैसे रास्ता भूल गया हो और किसी से रास्ता पूछना चाहता हो। उसने करीब से गुजरी तो उसने इंतहाई एतमाद और महज़ब लहजे में उसे मुखातिब किया। यह आस पास गर्ल्स कॉलेज है? जी है, एक्चुअली इसी रास्ते में, दो तीन मील दूर। शुक्रिया। जैसे मुझे अपनी कजिन से मिलने जाना था। आई थिंक आप भी इसी कॉलेज में पढ़ती हैं? जी, क्यों? अरे फिर तो आप मेरी कजिन को भी जानती होगी, अमरीन नाम है उसका। जी नहीं, मैं नहीं जानती। ठीक है, अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो मैं ड्रॉप कर दूँ, मुझे भी वहीं जाना है। नो थैंक्स, मैं खुद जा सकती हूँ। ठीक है। हुस्ना गुस्से में जल्दी जल्दी आगे बढ़कर एक रक्शे में सवार हो गई और मुबीन उसे जाता देखता रहा। हसीना के घर में मौजूद वाहिद मोबाइल का नंबर मुबीन के पास था जिस पर वो कई बार कॉल कर चुका था। रास्ते में हसीना से बात होने के बाद उसकी हिम्मत बढ़ गई और फिर उसने दोबारा रॉन्ग नंबर का ढोंग रचाकर हसीना से बात करने की कोशिश की। बेटा, देखना किसका फोन है। जी अब्बा, देखती हूँ। उसने अपने बाप को पानी देकर पलटी तो फोन बज रहा था। जी फरमाए। जी, आमिर साहब से बात करवा दीजिए। 3-4 दिन पहले भी इस नंबर से कॉल आई थी और मैंने बताया था ये किसी आमिर का नंबर नहीं है, रॉन्ग नंबर है ये। आइंदा यहाँ पर कॉल मत करना, खुदा हाफिज। हुस्ना ने कॉल काट दी। फिर उसे न जाने क्या सूझा कि उसने उस नंबर को व्हाट्सएप पर महफूज कर लिया। नंबर महफूज होते ही हुस्ना चकरा सी गई क्योंकि उसने नंबर के प्रोफाइल पर उसी लड़के की तस्वीर देखी थी जो उसे रास्ते में मिला था। ये क्या, ये तो वही है, धोखेबाज लगता है मुझे। हुस्ना ने फौरन ही उसे व्हाट्सएप से डिलीट कर दिया और फोन एक तरफ रख दिया। मुबीन कब तक ढोंग रचा था, एक दिन उसने कॉल करके अपनी शनाख्त और ख्वाहिश का इजहार कर ही दिया। शब्बीर ने देखा कि हुस्ना और मुबीन फोन पर बात कर रहे थे। देखिए, जब आपको सारी हकीकत पता चली गई है तो मैं आपसे बहुत माजूर था। दरअसल ये सब ड्रामा इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अगर आपकी ना है तो मैं दोबारा से कॉन्टेक्ट नहीं करूँगा। अच्छा, आप खामोश क्यों हैं, कुछ तो बोलें। ठीक है, अगर आप नहीं बात करना चाहते तो अल्लाह हाफिज। अच्छा सुने सुने सुने, आप कहते क्या है? मेरा अपना बिजनेस है और माशाल्लाह काफी खुशहाल घराना है हमारा। इससे मुझे क्या, लेकिन मुझे आप अच्छे इंसान लगते हैं, बस तरीका आपका लोफरों वाला है। जी आदम, बिल्कुल ठीक है, ये लोफरों वाला तरीका था। अच्छा कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। चले ओके, हाफिज। Thank you.
मुबीन ने सेकंड ईयर की तालिबा को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से शीशे में उतार लिया था और अब वो दोनों इधर उधर मुलाकात भी करने लगे थे। शब्बीर ने देखा कि हुस्ना चेहरे को छुपाकर मुबैना तौर पर मुबीन के साथ गाड़ी में मौजूद थी। एक टाइम था तुम्हें याद है कि तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, पर आज देखो तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मुबीन ने हुस्ना को ड्रॉप करने के लिए गाड़ी की रफ्तार कम की तो हुस्ना बोल उठी, हाँ अच्छा सुनो, हम वहाँ नहीं ड्रॉप करें, थोड़ा सा आगे ड्रॉप करें, ठीक है? ठीक है, तो आने जगह तो नहीं? नहीं। ओके। फिर मुबीन ने एक जगह सन्नाटे में गाड़ी रोक दी और हुस्ना खामोशी से उतरकर जल्दी जल्दी घर की तरफ रवाना हो गई। एक दिन हसीना कॉलेज से घर नहीं लौटी तो उसके बाप को तशवीश हुई। पूरा दिन और पूरी रात बेटी का रास्ता देखा और फिर दूसरे दिन हसीना के बाप ने बेटी के अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। उधर मुबैना तौर पर शब्बीर ने देखा कि मुबीन भक्कर से निकलकर किसी दूसरे शहर में हुस्ना को लेकर कार में घूम रहा था। फिर उन्हें मुबैना तौर पर होटल के कमरों और कई घरों में भी देखा गया। उधर पुलिस हुस्ना को तलाश करने की मुसलसल कोशिश कर रही थी। सर नंबर में खबर दी है, लड़की की लोकेशन ट्रेस हो गई है, लड़की तो बटेक सिंह है। चलो फिर ठीक है, गाड़ी निकालो, छापा मारने की तैयारी करते हैं। ठीक है। शब्बीर ने देखा कि पुलिस मोबाइल रात की तारीकी में घर के बाहर रुकी और फिर पुलिस एहलकार एक घर में दाखिल हुए। जब वो बाहर निकले तो मुबीन और हुस्ना के मुंह पर चादर पड़ी हुई थी, उन्हें वैन में सवार कराया जा रहा था। पुलिस ने दावा किया है कि हसीना को गन पॉइंट पर अगवा किया गया था, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि हसीना मुबीन के झांसे में आकर मुबैना तौर पर घर से भाग गई थी, लेकिन मुबीन ने शादी करने के बजाय उसे फरोख्त करने की कोशिश की।